Hello students, how are you? So we have completed chapter 2, components of food. अब components of food हमारा बहुत important chapter है students, क्योंकि ये हमें अगर इस chapter की हमें knowledge होगी तो हम अपने body को fit and fine रख सकते हैं, healthy रख सकते हैं, energetic रख सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने इसकी एक और worksheet बनाई है. इस worksheet में मैं एक बार आपको क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए क्वेश्चंस का आंसर देने में. सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट डाउन द नेम ऑफ द, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. तो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं फूड के अंदर, वो लिखना है यहाँ पे. नेक्स्ट है मेजर न्यूट्रिएंट्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ फूड नहीं लिखने, दोनों में मिस्टेक मत करना. दूसरा है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, फंक्शन मतलब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो क्यों खाते हैं, क्या काम करती है कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड्स किन न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं या फैट को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आता है सोचो आप, और किसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड. फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ द फूड रिच इन स्टार्च प्रोटीन एंड फैट. तो जिस फूड आइटम में स्टार्च होती है उनके आपको नेम लिखने हैं, 2 लिखो या 3 नेम्स लिख सकते हो. ऐसे ही प्रोटीन वाले चीज़ों के आप लिखो नेम, और जिस चीज़ के अंदर आपको लगता है फैट है यू हैव टू टेल. और लास्ट में एक बिल्कुल इजी डेफिनेशन, दैट इज़ डिफाइन बैलेंस्ड डाइट. किसे कहोगे बैलेंस्ड डाइट, ये फूड का एक पिरामिड सा बना रखा है. पिरामिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे सबसे नीचे में आपको देखो सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स दिखाई देंगे, तो ये वन बाय वन जैसे प्रोड्यूसर्स फिर कंज्यूमर्स इस तरीके से, और ये स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से क्या है, अब ये पिरामिड हमेशा नीचे से ज़्यादा बड़ा होगा और ऊपर की तरफ डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जितने ऊपर की तरफ हम जाते जाएंगे उसी तरीके से नीचे तो प्लांट्स हो गए प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद आप देखोगे कंज्यूमर्स आ जाते हैं, और कंज्यूमर्स में पहले हर्बीवोर्स फिर कार्निवोर्स फिर टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं. तो ऐसे ही फूड आइटम्स के अंदर आप देखोगे मेन ग्रुप या वेजिटेबल ग्रुप, फ्रूट ग्रुप, ये सारे अलग अलग दे रखे हैं आपको. सो स्टूडेंट्स आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.